रहीम इस्लामाबाद के मेरे शेरों और शेरनियों, ये स्टेज पर जितने अफराद खड़े हैं मेरे और शेरों के दरमियान में से हट जाएं, पीछे हो जाएं, दानियाल पीछे हो जाओ प्लीज, मुझे ये लोग नजर नहीं आ रहे, पीछे हो जाएं। आज मैं इस्लामाबाद के मेरे शेरों और शेरनियों, आप सबको नवाज शरीफ साहब का सलाम। ये जो स्टेज पर खड़े कायदीन हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, इस्लामाबाद की जो क़यादत यहाँ स्टेज पर मौजूद है, लेकिन इनसे मेरी मुलाकात कल होगी, आज मैं सिर्फ कारकुनों से मिलने आई हूँ। और इस्लामाबाद वालों, मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बड़े गौर से मेरी बातें सुनो, बड़ी ज़रूरी बातें, और वो बातें आपने फिर हरावल दस्ता बन के आगे लेके जानी है, इसलिए ये बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बहनें, बेटियां, माएँ यहाँ बैठी हैं, मैं इनको बहुत प्यार भरा सलाम। जब मैं लंदन से आई, मियाँ साहब के साथ 4 महीने मेरे गुजरे, वहाँ मियाँ साहब ने कहा कि जाओ और आवाम के साथ राबते की मुहिम शुरू करो, और उसका आगाज़ जो है वो तंजीमी कन्वेंशन से करो, कारकुनों से मुलाकात करो। तो हमारे मुखालिफीन बहुत दूरबीने लगा के बैठ गए, उनको लगा कि आज इतनी महंगाई है, मईशत हचकोले खा रही है, तो शायद बहुत ध्यान से वो देखने लगे कि आवाम की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है, कारकुनों की तरफ से क्या रिस्पांस मिलता है। क्योंकि जब वो 4 साल 2018 से लेके 2022 तक वो हुकूमत में थे, तो मैं उनको कहती थी तुम्हें हेलमेट पहन के आवाम में जाना चाहिए, क्योंकि लोग अंडे और टमाटर मारेंगे। तो वो बड़े, उन्होंने मेरी बात सुनी, ठहर जाओ, उन्होंने मेरी बात मानी, वो हेलमेट पहन के नहीं, वो आवाम में गए नहीं 4 साल। और आज आज बड़ी दूरबीने लगा के बैठे हैं और देख रहे हैं कि आवाम का, कारकुनों का कितना जज्बा है। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि आवाम बेवकूफ नहीं, आवाम को सब पता है कि इस महंगाई को लाने वाला कौन है। हाँ, घड़ी चोर की अभी बात करेंगे, घड़ी चोर को छोड़ेंगे नहीं, बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बात यह है, आज जब मैं, कल मैं अब्तबाद से इस्लामाबाद पहुंची, तो वो रावल फ्लाईओवर के ऊपर से जब मैं गुजर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि 2017-18 हर रोज़ नवाज शरीफ साहब के साथ नैब का इंतकाम भुगतने हम लाहौर से जब आते थे, तो रावल फ्लाईओवर जो था वहाँ पर ट्रैफिक जैम्स होते थे, हमें वक्त से पहले निकलना पड़ता था। वो जो नाअहली, नाअहली और नालायकी थी, उसकी सजा रावल चौक पे लोगों ने भुगती। और आज अल्लाह ताला के फजल करम से जो 4 साल नहीं बन सका, उसको शहबाज शरीफ ने उस रावल फ्लाईओवर को 1 महीने में मुकम्मल करा दिया और आवाम के लिए खोल दिया। आज वहाँ ट्रैफिक जैम्स नहीं है। आज आप इस कन्वेंशन के लिए वहां से गुजर के आए होंगे, तो बताओ वहां पर कोई ट्रैफिक जाम था? 100% ट्रू, थैंक यू। और उसके बाद भाराकाउ फ्लाईओवर की भी बात करती हूं। अवाम की बहुत देरीना डिमांड थी भाराकाउ के, अवाम की खसूसन, के वहां पर बहुत
घंटों तक ट्रैफिक जाम रहती थी, आवाम ट्रैफिक में फंसते थे, मरी आने जाने वाले सयाह फंस जाते थे। तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि वहां पर फ्लाईओवर बने। तो देखो, शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ वो फ्लाईओवर खत्म शुरू करा दिया, आप देखोगे कि शहबाज स्पीड में इंशाल्लाह ताला वो जल्द से जल्द खत्म होगा। और इसी तरह इस्लामाबाद मेट्रो की तरफ आ जाओ। 4 साल वो मेट्रो मुकम्मल नहीं हो सकी, उसको शहबाज शरीफ ने 15 दिन के अंदर आवाम के लिए खोल दिया। और आज मरी से आने जाने वालों के लिए, पिंडी के रहायशियों के लिए कोई भी रूट ऐसा नहीं है जो उस मास ट्रांजिट के साथ कनेक्टेड ना हो, चाहे वो मेट्रो बस हो चाहे वो ग्रीन बस हो। अवाम की सहूलत के लिए ये शहबाज स्पीड से मुकम्मल हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने 2016 में जो इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों को रिफॉर्म करने का बीड़ा उठाया, आज भी मैं जब मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की तारीख में किसी ने कभी इतने ज़बरदस्त स्कूल जो हैं वो नहीं देखे होंगे। उनकी इमारतों को ठीक कराया, उनको सहूलियात दी, उनको IT लैब्स दी, और आज आप देखते होंगे वो जो नवाज शरीफ ने 70 बसें दी थी उन स्टूडेंट्स के लिए, जो बाद में 200 तक चली गई थी, वो येलो बसेस, जब प्राइम मिनिस्टर बसेस का प्रोग्राम आप सड़कों पे चलते देखते हो तो नवाज शरीफ की याद आती है ना। मैं भी जब गुजरती हूँ वो सड़कों पे येलो बसेस में बच्चों के लिए देखती हूँ, तालिब इल्मों के लिए देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस्लामाबाद वालों, 200 बसों से इन 4 सालों में 201 बसें नहीं हुई। जहां नवाज शरीफ छोड़कर गया था वहीं पर खड़ा है आज भी। मवाद वालों, मवाजना 2022 का 2023 से नहीं होगा, मवाजना होगा तो शहबाज शरीफ के पंजाब में 10 साल और इमरान खान के KPK में 10 साल का मवाजना होगा। मैं कल एबटाबाद से वापस आई हूं, 2 दिन में वहां थी। यकीन जानो KPK आज भी 2023 के अंदर खंडरात का मंजर पेश करता है। वजह क्या है? क्योंकि वहां 10 साल से नवाज शरीफ नहीं था। और अगर मवाजना होगा तो नवाज शरीफ के 4 साल 2013 से 2017 तक और उस नालायकी और नाअहली के 2018 से 2022 का मवाजना होगा। इस्लामाबाद वालों, मुझे बताओ ये कोई इंसाफ की बात है कि जब मुल्क हचकोले खाता है, जब मईशत हचकोले खाती है, तो नवाज शरीफ को पकड़ के ले आते हैं कि मुल्क को ठीक करो। वो दिन रात लगा के मुल्क को ठीक करता है, और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने पर या हाईजैकिंग पर उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। और फिर जब ना अहलों के हाथ में मुल्क आता है, मुल्क नीचे जाता है, तो फिर नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं कि आओ और मुल्क को ठीक करो। अभी आप लोग सुन रहे थे ना, 2-3 दिन से TV पे सुन रहे होंगे कि IMF के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं। सुन रहे थे ना, इसहाक डार साहब पाकिस्तानी कौम की तरफ से IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था IMF के साथ नेगोशिएट ना करते, इसहाक डार साहब को चाहिए था IMF के साथ नेगोशिएट ना करते। जो शख्स IMF के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, जो अवाम की तबाही का IMF का मुआयदा करके आराम से जाके जमान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते IMF से मुजाकरात करो। उसको बिठाते ना जरा IMF के सामने और कहते जरा IMF को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शरायत तय की कि आज भी मईशत संभलने में नहीं आ रही, और लोगों को बताओ कि तुम्हारी 4 साल की नाअहली की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है। खुद तो आराम से जाके जमान पाक के बंकर में बैठ गया, आवाम के चूल्हे बुझ गए। क्या तकलीफ थी जब 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ ने भी IMF का एक मुआयदा भुगताया था, लेकिन दिल में दर्द था नवाज शरीफ के, आवाम का दर्द था, आवाम के चूल्हों पर
जो रोटी पकती थी उसकी तकलीफ थी नवाज शरीफ को, तो वो IMF का मुआयदा ना सिर्फ भुगताया बल्कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख गवाह है। और आप सब गवाह हो कि नवाज शरीफ के 4 साल में आटा 1 रुपया नहीं बढ़ा, 35 रुपए किलो पर रहा। रहा या नहीं रहा? IMF के मुआयदे के बावजूद चीनी 50 से 55 रुपए किलो रही 4 साल या नहीं रही? डॉलर 100 से नीचे रहा या नहीं रहा? और घी 140 पे रहा या नहीं रहा? और ग्रोथ, पाकिस्तान की ग्रोथ 6% पे जा रही थी, पिछले 4 साल की नाअहली और नालायकी से जमीन के नीचे चली गई, माइनस में ग्रोथ चली गई। और ये वही बेहिस इंसान है ना जो जब इक्तदार में था तो कहता था मैं आलू प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया। ये बिल्कुल सही कहता था, बिल्कुल सही कहता था, क्योंकि ये कम करने नहीं आया, ये ज्यादा करने आया था, कीमतें बढ़ाने आया था, जिसकी कीमत आज अवाम को अदा करनी पड़ रही। बनीगाला का किचन भी कोई और चलाता है, जमान पाक का किचन भी कोई और चलाता है, क्योंकि इसका कोई जरिया आमदन नहीं है। ये वो लोग चलाते हैं जो इनको हीरे जवाहरात देते रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो अपने किचन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से चलाती है। शरीफ साहब, अवाम के इस मुजरिम को IMF के कटहरे में भी खड़े करें और अवाम के कटहरे में भी खड़ा करो, इसे पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया ये मुल्क। आज अगर हम चाहें भी तो दिन रात की सर तोड़ कोशिशें कर रहे, मैं खुदा को गवाह बनाकर कहती हूँ, शहबाज शरीफ साहब 6 बजे काम शुरू करते हैं, इसहाक डार साहब सुबह फजर के बाद काम शुरू करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी जो ये 4 साल का गंद और तबाही मचा कर गया, ये 2-4 महीनों में ठीक होने की चीज नहीं है। लेकिन यकीन रखना कि अगर 3 दफा जब भी आपने इक्तदार दिया, मुस्लिम लीग नून को मुल्क को तरक्की के ऊपर रास्ते पर डाल गई, यकीन रखना कि इंशाल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। मैं ये भी बता दूं, ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है जिसने 4 साल में मुल्क को, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही मचा दी 4 साल में। अगर अगले 5 साल भी इसको मिल जाते तो सोचो आप सबका क्या हाल होता। और आज मान गया है, कहता है कि ऐवान सदर में मैंने मुलाकात की थी, तो अगर मुलाकात की थी तो आज याद आया मुलाकात की थी? वो चुप करके छुप छुप के रात के अंधेरे में मुलाकात क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि शायद दोबारा से साजिश करने का मौका मिल जाए, और वो मुलाकात कामयाब नहीं हुई तो आज सब मीर जाफर भी हो गए, मीर सादिक भी हो गए। बात है, और कल परसों सुन रही थी, कह रहा था ताली एक हाथ से नहीं बजती, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। का इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। और क्या कहते हो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जिसकी, जो सिलेक्ट होकर आया है। इलेक्शन अब ये ताली नहीं बजेगी, इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। और आओ आकर देखो, तुम जमान पाक में छुपकर बुजदलों की तरह बैठे हो, मुस्लिम लीग नून मैदान में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप सब की सपोर्ट से ये इलेक्शन में हम उतरे हैं, इलेक्शन हारने के लिए नहीं। और ये भी सुन लो, वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए, सिलेक्टर्स घर चले गए हैं, और ना सिर्फ घर चले गए हैं बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। कल परसों में सुन रही थी कि कह रहे थे कि इमरान का घर जाना जरूरी था क्योंकि वो मुल्क के लिए खतरा था। जिस खतरे का आपको आज पता चले, मुस्लिम लीग नून वो खतरा पाकिस्तान के लिए 2011 में ही भाप गई थी। तो अब आपकी कहानी खत्म, साजिशों का दौर खत्म,
सिलेक्शन कमेटी खत्म, वो जब बाबा रहमत था ना, बाबा रहमत जो अपने आप को कहता था, वो बाबा रहमत इस कौम के लिए सबसे बड़ा बाबा जहमत बन गया। और जो उसने अमानत और सदाकत के सर्टिफिकेट दिए ना इसको, आज गली गली महल्ले महल्ले सदाकत और अमानत के पोल खुल रहे हैं। कोई वो घड़ी चोरी को रो रहा है, तोहफे बेच कर खा गया, जितने मर्जी प्लास्टर लगा के बैठो, जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपनी औलाद का भी हिसाब देना पड़ेगा। खाना काबा के निशान वाली तस्वीर वाली घड़ी बेचने का भी हिसाब देना पड़ेगा, फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब देना पड़ेगा। और जो आपकी बेगम साहिबा ने 5-5 कैरेट के हीरों की अंगूठियां रिश्वत में ली हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। पर यहां पर मुझे बहुत नौजवान नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, और यकीन जानो इतना जज्बा है आप लोगों में, इतना जज्बा है आप लोगों में, जब भी मैं आप लोगों को देखती हूं मेरा हौसला जो है वो कोहे हिमालय जितना हो जाता है। लेकिन लेकिन मैं अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, आप सब से वादा लेना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद में इस दफ़ा जो इस्लामाबाद की सीट्स हैं वो जीत के दिखानी है। हारने के लिए मैदान में नहीं उतरना, जीतने के लिए उतरना है। वो कहते हैं ना, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हमने कमर बांध ली है इंशाल्लाह, और मैं पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हूँ। ये नारे, झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा की सियासत छोड़ो, गाली गलौच, बदतमीजी की सियासत छोड़ो, और ये देखो कि आपका मुस्तकबिल किस जमात के साथ वाबस्ता है। आपका मुस्तकबिल उस जमात के साथ वाबस्ता होना चाहिए जिसने आपको यूथ प्रोग्राम दिया, जिसने आपको लैपटॉप्स दिए, जिसने आपको स्कॉलरशिप्स दिए, जिसने आपके लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई, जिसने आपके लिए फॉरेन स्कॉलरशिप्स दिए, जिसने आपको सीपैक बनाकर आपके लिए नौकरियों के दरवाजे खोले, ना कि ऐसे फरेबियों के हाथ में जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, मिली किसी को नौकरी? वो आपस में ही एक दूसरे को नौकरियां बांटते रहे, अवाम को 1 करोड़ में से कोई नौकरी नहीं मिली, और नौकरियां छीन ली उल्टा, लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़ गए। और उसके बाद 50 लाख घर का वादा किया, 1 घर मिला किसी को? नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई में अपना घर स्कीम शुरू की, हजारों को घर मिला। शहबाज शरीफ ने आशियाना स्कीम शुरू की, हजारों को घर मिला। और फिर सीपैक जो शुरू किया, मुल्क में तरक्की आई। 22-22 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से 0 लोड शेडिंग में बदला। तो जिसने किया है वही करके दिखाएगा, जिसने मुल्क को तबाह किया है वो अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र करे और बनी गाला में बैठकर अल्लाह अल्लाह करे। मेरे शेरों और शेरनियों, मेरे से हाथ उठा के वादा करो कि आज के बाद घरों में नहीं बैठोगे, इलेक्शन की तैयारी करोगे, यूथ में अपना मैसेज पहुंचाओगे, खवातीन में अपना मैसेज पहुंचाओगे, सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ाओगे। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं अच्छी बात है, और ज्यादा टाइम दो, जो नहीं है वो अपने अकाउंट्स बनाएं सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि हमें गली महल्ले और सोशल मीडिया सब पर नवाज शरीफ की और इस मुल्क की जंग लड़नी है। ये मरियम नवाज की जंग नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की जंग भी नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की जंग है जो हमने लड़नी और जीतनी है इंशाल्लाह ताला। वादा? तो आप वादा करते हो, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि भले कुछ दिन लग जाएं, लेकिन आपकी उम्मीदों का दिया हम बुझने नहीं देंगे। जब तक इस मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल लेंगे, चैन की नींद नहीं सोएंगे इंशाल्लाह। ये मुल्क हमारा है,
ये इस मुल्क हमारे नौजवानों का है, ये मुल्क मेरे शेरों का है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को वहां लेकर जाएंगे, इस मुल्क को यहां लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तमाम मुश्किलात से जहां पर अवाम की जान छूटेगी। तो मेरे साथ वादा करो कि ये ख्वाब पूरा करोगे मेरा इंशाल्लाह, अपनी कौम के लिए निकलोगे, अपने लिए निकलोगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ नारा लगा दो, नवाज शरीफ, और जोर से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और इस्लामाबाद के कोने कोने तक आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरी तरफ से बहुत अकीदत भरा सलाम।